नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डिजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, जो आज हम लोग बात करने वाली हैं, आपके जो भी मेजर मेजर टेम्पल्स हैं, जो भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, आपके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टेम्पल्स जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे टेम्पल्स ऑफ इंडिया हो, उनकी बात करने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ाम में आते हैं जनरली, चाहे SSC एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक एग्ज़ाम हो, चाहे आपका UPPCS का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कांस्टेबल हो, जो भी एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम हो, किन्हीं किन्हीं एग्ज़ाम में एक या दो नंबर के ज़रूर आते हैं ये प्रश्न। तो आप लोग अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा क्या होता है, एक एक टेम्पल रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो मेरा अभी मैं UPPCS भी देके आया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आप टेम्पल्स के बारे में ही। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अपने पास सेव कर रखेंगे ताकि जब भी आप लोग आगे कभी कोई पेपर दे तो उसमें जाने से पहले एक बार वीडियो जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो जो भी, और आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर जो भी बंदा हमारे चैनल पर नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइबर बटन को दबा दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि उसके पास जो भी हमारे न्यू वीडियोज़ होती हैं उनकी अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब पहुँच जा पाए, क्योंकि हम लोग ऐसे डेली, आप लोग डेली GK लेके आते हैं, प्लस जो आपकी स्टैटिक GK का पार्ट होता है वो भी लेके आते हैं। पूरा हम लोग आपके लिए पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने और भी दोस्तों के बीच, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने वीडियो कंटेंट की तरफ, जिसमें हम लोग आज बताने वाले हैं आपको टेम्पल्स की, इंडिया के टेम्पल के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग बताएंगे आपको सारे टेम्पल जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टेम्पल है विद इमेज। देखिए, हम लोग का जो मेन एम है, हम जो भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, सब में आप लोग क्या लेके आएंगे, इमेज के साथ लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बिना किसी के बता देंगे कि ये नहीं है वो नहीं है, हम आपको हर चीज़ का व्यू वो देंगे कि विद प्रूफ के साथ देंगे। ये नहीं कि आपको बस बता दिया, हमने पढ़ाना नहीं, हमारे एम है, हमारे एम आपको समझाने का भी है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और बताएंगे आपको एक 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 टेम्पल के बारे में बताएंगे। हमने जो लिए हैं टेम्पल्स लिए हैं आपके 30 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स लिए हैं, जो आपके मेजर टेम्पल्स हैं उनके बारे में बात करने, जो इंपॉर्टेंट आपके फेमस 30 टेम्पल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पहला जो टेम्पल है आपका, वो है आपका बद्रीनाथ टेम्पल। बद्रीनाथ टेम्पल कहाँ पे है, द लॉर्ड द अबोड ऑफ लॉर्ड बद्रीनाथ टेम्पल कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ टेम्पल कहाँ पे है, उत्तराखंड। अभी आपको पता है कि बद्रीनाथ पे जो त्रासदी आई थी वो बद्रीनाथ में आई थी, ये लॉर्ड विष्णु का है, ठीक है। तो बद्रीनाथ टेम्पल देख लीजिए हम लोग कौन सा, ये है आपका बद्रीनाथ टेम्पल है, ये आपका बद्रीनाथ टेम्पल है, ठीक है। तो ये इससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कोणार्क टेम्पल। अब कोणार्क टेम्पल क्या है, द सैन टेम्पल इज सिचुएटेड इन टाउन ऑफ कोणार्क, विच इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुणे, जो आपका पुरी है, पुरी में आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा में पुरी जगह है, वहाँ पे कोणार्क टेम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। द मार्बल आर्किटेक्चर टू डेडिकेटेड टू द लॉर्ड सन, जो आपके सूर्य भगवान, उनके लिए डिसाइडेड किया गया है, जिसमें आपके बेल्ट हैं, स्नेप चैरियट्स हैं आपके, 12 व्हील्स इज शोन एज बी ड्रैग्ड बाई द 7 हॉर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, ये आप देखें कोणार्क टेम्पल, देख लीजिए आप, फुल इमेज मैंने आप ले कर दी है ताकि आप लोग देख सकें कितना सुंदर भव्य बनाया गया ये मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट फिर चलते हैं, नेक्स्ट टेम्पल आपका बृहदेश्वर टेम्पल है आपका, कहाँ पे, ऑल्सो नोन एज पेरुवुदयर कोविल और राजा राजेश्वरम, दिस इज़ द 11th सेंचुरी, 11वीं सेंचुरी का ये टेम्पल बनाया गया है, जो कि चोला एम्परर ने बनाया था, राजा राजा चोला फर्स्ट ने बनाया था, कौन सी, 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। जो ये किसका मंदिर है, लॉर्ड शिवा का मंदिर है, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है ये आपका है, देखिए मंदिर कितना अति सुंदर भव्य मंदिर बनाया गया है, देख रहे हैं आप लोग इसको। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अपना नेक्स्ट टेम्पल हमारा है सोमनाथ टेम्पल। दिस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर इन इंडिया, जो आपके ओल्डेस्ट माउंटेन्स या जो ओल्डेस्ट आपके टेम्पल्स हैं उसमें से एक कौन सा है, सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल क्या है, लाइक शिवपुरम, स्कंदपुरम, श्रीमद भागवत, इन सब की तरह इसमें क्या है, बहुत पुराना है ये है आपका, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, देखिए आपका टेम्पल ये, ठीक है। तो ये मैं इमेज के साथ कोई वीडियो बनाता हूँ इसलिए आपके साथ इमेज, ताकि आपको याद रह सके कि कैसे कैसे बनाया था, ठीक है। जो आपका सोमनाथ टेम्पल है काफ़ी पुराना है,
नेक्स्ट आते हैं केदारनाथ टेम्पल। ये केदारनाथ टेम्पल है जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, अभी इस पर मूवी बनी थी, ठीक है, आपने देखी होगी मूवी है, उसमें वो जो एक हीरो है उसको लिया गया है। केदारनाथ टेम्पल कहाँ पे? उत्तराखंड में है। मस्ट ये कौन सा है? भगवान शंकर का है, इसमें भगवान शंकर की पूजा होती है। और कमिटेड ड्यूरिंग कब बना था? ये जब कौरवों की लड़ाई हुई थी तब का बनाया है। द टेम्पल वॉर रेस्टोर्ड बाई आदि शंकराचार्य ऑफ 8th सेंचुरी। द छोटा चार धाम, ये चार धाम जो यात्रा होती है आपकी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और आपकी उड़ीसा जनकपुरी, और आपकी साउथ में एक और होती है, चार जगह की होती है, ठीक है। ये है आपकी इमेज, देख लीजिए आप लोग, बद्रीनाथ की, सॉरी केदारनाथ की ये इमेज है, बद्रीनाथ नहीं है, केदारनाथ। नेक्स्ट है आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पे है? सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, काफी इंपॉर्टेंट है ये, मध्य प्रदेश में बना है। विच इज़ द होम टू सेवरल बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर टू बिल्ट इन द 3rd सेंचुरी BC। 3rd सेंचुरी BC यानी 261 BC में क्या हुआ था? कालिंगा वॉर हुआ था, किसका? अशोका, अशोका जिसमें जीता था, उसके बाद उन्होंने क्या करा था, मॉन्क बन गए थे, वो बुद्धिस्ट बन गए थे, ठीक है। तो उसी दौरान उन्होंने सांची का स्तूप बनवाया था। ये आपके सांची का स्तूप की फोटो भी देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, रामनाथ स्वामी रामेश्वरम टेम्पल। रामनाथ स्वामी रामेश्वर टेम्पल ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में बना हुआ है, चार धाम में ये भी आता है। द रीज़न ऑफ बींग सो सेक्रेड इज बिलीफ ऑफ लॉर्ड रामा, राम भगवान के ऊपर बना हुआ है। वाइफ सीता फर्स्ट लैंडेड टू इट्स शोर आफ्टर डिफीटिंग, जब रावण को हरा के आए थे सबसे पहले ये लोग रामनाथ स्वामी में ही रुके थे मंदिर में। ये है देखिए टेम्पल, भव्य अति सुंदर, वाह क्या बात है, इतना सुंदर टेम्पल है, तो यहाँ बनाया रामनाथ स्वामी टेम्पल। नेक्स्ट टेम्पल आपका वैष्णो देवी, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी, वैष्णो माता काफ़ी फेमस है, माँ वैष्णो देवी धाम है, माँ वैष्णो श्राइन बोर्ड इसे चलाता है। इट इज़ शी हु कॉल्स हर डिवोटीज टू डू स्टेप एनी वन मेकिंग अ सक्सेसफुल जर्नी टू हर श्राइन देयर बिकॉज, ठीक है। तो माता जी वैष्णो देवी जिसे बुलाती है वो जरूर जाता है, वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी का चित्र अलौकिक दृष्टि है माता की, और हम भी माता के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक टेम्पल। जो आपका सिद्धि विनायक टेम्पल है कहाँ पे है? मुंबई में है टेम्पल, बिकॉज ये कब बना था? 18th सेंचुरी में। सिद्धि विनायक और लॉर्ड गणेशा जिसे हम कहते हैं, लॉर्ड गणेशा मतलब गणेश भगवान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, फेमस बींग ऑफ द वर्शिप्ड बिफोर कमेंसिंग द न्यू, कोई भी हम लोग शुरू काम करने से पहले, नया काम शुरू करने से पहले क्या करते हैं? सिद्धि विनायक मंदिर जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, उसके बाद काम को आरंभ करते हैं। मेनली मुंबई में काफ़ी फेमस है वहाँ पर। नेक्स्ट टेम्पल आपको गोल्डन टेम्पल, सर हरमंदर हरमंदिर साहिब ऑल्सो नोन एज दरबार साहिब और गोल्डन टेम्पल जो आप कहा जाता है उसे हरमंदर साहिब भी कहते हैं, दरबार साहिब भी कहते हैं, जो सिख के लिए सबसे ज़्यादा पुराना मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है उनके लिए। द टेम्पल वॉज बिल्ट ऑन द वैल्यूज ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। द फोर डोर्स ओपनिंग, चार चार दरवाजे हैं इसमें, और भी बहुत कुछ है। ये देखिए ये आपका गोल्डन टेम्पल, ठीक है। मंदिर बहुत सुंदर सुंदर इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपके पास तीसरी लेके आ पाया हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे पास वो नहीं था, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, ठीक है, बिकॉज ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टेम्पल देखते हैं, 11th काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है। कहाँ पे आपका? वाराणसी, वाराणसी में कहाँ पे? दशाश्वमेध घाट है वहाँ पे, उसके बाद गंगा का तट है, वहाँ बना हुआ है काशी विश्वनाथ टेम्पल। लॉर्ड शिवा शंकर भगवान का मंदिर है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? विश्वनाथ से ना, विश्वेश्वरा मीनिंग एम्परर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। वाराणसी काशी कहते हैं टेम्पल, फेमसली काशी विश्वनाथ टेम्पल माना जाता है, ठीक है। ये है आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल, देखिए आप, ठीक है। ये आपका घाट है, दशाश्वमेध घाट है, उसके बगल में बना हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नागे आवा जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे? जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? 12th सेंचुरी BC में बना हुआ था ये। जगन्नाथ ही सिचुएटेड इन पुरी, देखिए मैंने आपको बता दें, जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और एक चौथा साउथ में एक और है। तो ये चारों धाम बहुत फेमस है, डेडिकेटेड लॉर्ड कृष्णा भगवान, कृष्ण भगवान के लिए बनाया गया ये कृष्णा टेम्पल है। फोर होलीएस्ट प्लेसेस, चार धाम जो है उनमें से एक है, कौन सा आपका? जगन्नाथपुरी, ये है आपका जगन्नाथ, ये देखिए रथ और बने हुए हैं कृष्ण भगवान के, उसमें बना, काफ़ी फेमस टेम्पल है वहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट मीनाक्षी टेम्पल, या कह लें आप कोनार्क टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल बहुत फेमस है ये। 13th टेम्पल आपका मीनाक्षी टेम्पल। दिस आर्किटेक्चर वंडरफुल इज सिचुएटेड इन द मदुरई तमिलनाडु में सिचुएटेड है। गॉडेस
पार्वती जी को बनाया गया है। पार्वती जी यानी कि जो हमें सरस्वती, पार्वती जी जो शंकर भगवान की वाइफ है उनके नाम में बनाया गया, ये मीनाक्षी भी कहते हैं, हर हर लॉर्ड शिवा के नाम से बनाया गया है। ठीक है, ये आपका देख ली मीनाक्षी टेम्पल, ये बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, एग्जाम में आ जाता है कई बार कहाँ मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, तो मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आपका अमरनाथ है, द हॉली केव ऑफ अमरनाथ कहाँ पे है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, माउंटेन्स में है, केव लेयर ऑफ स्नो निकलती है वहाँ से, तो उसी को लोग देखने जाते हैं समर सीजन में, जून जून से अगस्त में, एसिबल हैंस ओपन फॉर रिसीव पिलग्रिम, बहुत सारे जितने भी आपके श्रद्धालु होते हैं सब जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आपका तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी क्या है, लोकेटेड द हिली टाउन ऑफ द तिरुमाला, आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। द टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज वेंकटेश्वर टेम्पल, टेम्पल जो है वेंकटेश्वर जी का है, बालाजी के नाम से काफ़ी फेमस है, लॉर्ड विष्णु की पूजा होती है वहाँ पे। तिरुपति बालाजी इज द सेकेंड रिचेस्ट साइट ऑफ पीपल ऑफरिंग मनी, जो तिरुपति बालाजी वहाँ काफ़ी लोग पैसे चढ़ाते हैं, इसमें सेकंड नंबर पे है श्रद्धे साई के भाग भंग के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कांचीपुरम टेम्पल, तो कांचीपुरम टेम्पल आपका कहाँ पे है, कांचीपुरम टेम्पल जो आपका है वो कांचीपुरम तमिलनाडु में है। देखिए जो साउथ में आपको बहुत सारे टेम्पल मिलेंगे, चाहे आपका मीनाक्षी टेम्पल हो, चाहे और भी विदेश्वर टेम्पल हो, काफ़ी सारे टेम्पल जो हमारे तमिलनाडु में बने हुए हैं। ये जो है सेवन सेक्रेट्स प्लेसेस है, जो आपके सेवन सात जगह हैं भारत में वो मोक्ष की, जहाँ पे इंसान को मोक्ष मिलता है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो टेम्पल कांचीपुरम उसी में से एक टेम्पल माना जाता है, कांचीपुरम टेम्पल अगर आप देखना चाहें तो ये है कांचीपुरम टेम्पल, देख लीजिए आप लोग। मैं आपको जो भी वीडियो दे बनाता हूँ उसमें बहुत मेहनत करता हूँ, आप लिटरली विश्वास नहीं मानेंगे, एक एक इमेज को लाना, साइज करना, कंप्रेस करना, उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो बनाना काफ़ी टाइम लगता है, तो बस आप लोग से बस एक गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, खास करके हमारी मेहनत के ऊपर एक लाइक कर दे तो आप लोग बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल इज ऑल्सो टाउन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में बना हुआ है, कब बना था ये, 10th सेंचुरी 12th सेंचुरी बना हुआ था, स्प्रेड कितना है, 20 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी खजुराहो टेम्पल आता है, ये आपका खजुराहो का टेम्पल देख लीजिए आप। ठीक है, सो ब्यूटीफुल टू सी, मैं आप लोग इसलिए इमेज लाता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में बन जाए एक बार इमेज कि खजुराहो की इमेज सर की हमने वीडियो में देखी थी। नेक्स्ट आपका अक्षरधाम टेम्पल, ये तो अभी बना है 2000 में ही, जल्दी बना है, वास्तु शास्त्र और पंच पंचतंत्र पंच रत्र शास्त्र के हिसाब से बना है। टेम्पल कहाँ पे, यमुना के बगल में है, दिल्ली में बना हुआ है, रिफ्लेक्टेड रिजेंबल एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर को दिखाया गया है, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी यानी कि दिखाया गया है। द प्रिंसिपल डाइटी ऑफ स्वामी नारायण फेथ, लॉर्ड स्वामी नारायण इज द सेंट्रल फिगर ऑफ अक्षरधाम, 11 फीट की उनकी आइडल लाइज बिलो द सेंट्रल डोम बनाया गया उनके लिए। ठीक है, ये बना है आपका अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली का अक्षरधाम, काफ़ी फेमस टेम्पल है ये, देख सकते हैं आप लोग, अक्षरधाम मंदिर है ये, दिल्ली में स्थित है, काफ़ी फेमस टेम्पल है यहाँ का, तो अगर आप लोग पास टाइम हो तो एक बार विजिट कर सकते हैं, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो जरूर देखिए, अच्छा बना है काफ़ी ज़्यादा, मैं तो गया हूँ। नेक्स्ट आपका गोमतेश्वर महाराज, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है, गोमतेश्वर महाराज कहाँ पे है आपके, कर्नाटका में है। अब कर्नाटका में गोमतेश्वर टेम्पल है, किसको, लॉर्ड बाहुबली ऑल्सो नोन एज गोमतेश्वर, जो बाहुबली आप सुना होगा गोमतेश्वर के नाम से बिल्डिंग, ये कौन सेंचुरी में है, 10th सेंचुरी में, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिल, जो आपका बहुत पिल जो भी आपके श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पे, उसमें से एक बहुत फेमस है, जैन धर्म का है। स्टैचू क्या करता है हमें, वर्ल्ड ओवर बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, एनॉर्मस हाइट है उसकी, 58.8 फीट है, द आइडल इज कार्व्ड आउट सिंगल जेनेटिक रॉक, द मोनोलिथिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर स्टैंड्स एट द सच अ ग्रेट हाइट विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट, किसी भी बाहरी सपोर्ट के बिना ये बनाई गई है और बहुत ही अच्छी बनाई गई है। बाहुबली आइडल हैज गॉट इंस्क्रिप्शन रिटन डिफरेंट लैंग्वेज, मराठी तमिल, और आपको पता ही होगा बाहुबली के नाम से एक मूवी बनी थी, इसमें भी एक मूर्ति दिखाई गई थी जो आपने देखा होगा। ठीक है, ये है आपका इमेज फोटो है, ये गोमतेश्वर महाराज कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं रनकपुर टेम्पल, रनकपुर टेम्पल अब कहाँ पे है, रनकपुर टेम्पल आपका है, आपका ये राजस्थान में है, उदयपुर में बना हुआ है, और आपको अगर राजस्थान में जाना है तो प्लीज़ उदयपुर जयपुर जरूर जाइए, ये बहुत, और आपका
ये काफ़ी फेमस है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्पॉट्स है देखने के लिए, तो आपको देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, ये आपका है, आपका उदयपुर मंदिर का नाम है रनकपुर, ये आपका रनकपुर मंदिर है। क्योंकि उदयपुर में काफ़ी सारे राजस्थान में जितने भी राजवाड़े जो में लड़ाकू लड़ाकू थे सबके सब आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अक्षर शिरडी के साईं बाबा, साईं बाबा काफ़ी फेमस मंदिर है, 1922 में बना था, शिरडी टाउन महाराष्ट्र में है ये आपका, 296 किलोमीटर मुंबई से है, और काफ़ी फेमस मंदिर है शिरडी का साईं बाबा। ये साईं बाबा की इमेज है, देख सकते हैं आप लोग, ये आपके शिरडी के साईं बाबा, काफ़ी फेमस टेम्पल है। याद रखिए भगवान भगवान के नाम है इनका, आप कौन है, साईं बाबा के नाम से बनाया गया है। नेक्स्ट आपका है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल कहाँ पे, ये दिल्ली में आपका है, 1939 में बना था ये आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल, किसने बनवाया था, बाल देव दास बिरला दिल्ली ने बनवाया था, इंडस्ट्रियल से उन्होंने बनवाया था ये। पीपल ऑल कास्ट क्रिएट, लक्ष्मी नारायण इज लॉर्ड विष्णु के भगवान, बहुत बड़े भक्त थे, व्हेन ही इज विद गॉडेस लक्ष्मी के साथ उन्होंने बनवाया ये मंदिर, काफ़ी अच्छा बना, जाना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट आपका द्वारकाधीश टेम्पल, द हॉली एबोड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द्वारकाधीश टेम्पल इज सिचुएटेड कहाँ पे, ये द्वारका सिटी में, कहाँ पे, गुजरात में, ऑल्सो नोन एज जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है, डोर फॉर एंट्री एग्जिट बनाया गया है जो आपके श्रद्धालु होते हैं उनके लिए, द एंट्री ऑफ डोर जो आपका एंट्री का द्वार है उसे कहते हैं स्वर्ग, और एग्जिट कहते हैं मोक्ष द्वार, ये आपका मंदिर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने वही लिए हैं, देखो हम पढ़ाते वही जो एग्जाम में आएगा, जरूरी पढ़ो वही जो एग्जाम में होगा सही, तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ाते हैं, उस हिसाब से वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपके लिए भी मेहनत, आपको मेहनत करनी चाहिए, एक लाइक बटन दबा दें हमारे वीडियो पे। नेक्स्ट आपका इस्कॉन टेम्पल, देखिए इस्कॉन टेम्पल तो काफ़ी जगह बना हुआ है, लेकिन हमारा जो हमने जो लिया वो आपका मथुरा का लिया गया है, मथुरा में बना था सबसे पहला इस्कॉन टेम्पल, कब बनाया था, 1975 में बना था। हॉली रिवर ऑफ वृंदावन मथुरा में बना हुआ है, ठीक है, इट इज़ लैंड बिलीव टू बी द अबोड लॉर्ड कृष्णा के ऊपर बना, जितने भी आपके बने हुए हैं आपके इस्कॉन टेम्पल और ऑल ओवर इंडिया में बन रखे, कम से कम 100+ है ये टेम्पल्स, तो ये सभी के सभी किसके लिए बने, कृष्ण भगवान के ऊपर बने, काफ़ी सारे इसमें शोज होते हैं भगवान के लिए, तो ये आपका मंदिर है देख लीजिए आप लोग इस्कॉन टेम्पल। जो भी लोग इस्कॉन के भक्त होंगे उन्होंने जानते होंगे कि कितनी धार्मिक प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इसमें डेली आप लोग जाते हैं यहाँ पे, मन सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टेम्पल आपका श्री पद्मभास स्वामी टेम्पल, तिरुवंतपुरम कैपिटल ऑफ केरला में है ये आपका, द प्लेस वेयर द 108 दिव्य देशम सेक्रेट ड्वेलिंग्स ऑफ लॉर्ड विष्णु के नाम बनाया गया है, कहाँ पे बना हुआ है, श्री पद्मभास्वामी टेम्पल कैन बी विजिटेड ओनली बाय हिंदू, केवल हिंदू धर्म के लोग जा सकते हैं यहाँ पे, इस डिस्ट्रिक्ट कोड वहाँ पे बनाया गया है, ड्रेस कोड बनाया गया है, ठीक है, जिसे पहनी जा सकते हैं मंदिर के अंदर, धोती और कुर्ता अदरवाइज दी जा सकते हैं, वुमेंस के लिए साड़ी और स्कर्ट और ब्लाउज ये बनाया गया है, ये तो ये आपका मंदिर है देख सकते हैं आप लोग। साउथ के टेम्पल वैसे सारे अच्छे बनाए गए हैं, बता दूँ आपको जितने भी टेम्पल्स हैं सभी काफ़ी अच्छे अच्छे बनाए गए हैं, तो ठीक है, तो ये थे आपके कुछ अच्छे अच्छे टेम्पल जो हमने बनाए थे आपके लिए, 25 टेम्पल्स के हम लोग आपके लिए भी ये वीडियोज़ लेके आए हैं, जिसमें हमने सब कुछ बता दिया है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इंडिया क्या क्या है, कौन कौन सी जगह आपको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतने रखते हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज हमें आपके लाइक्स की, शेयर सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, तो तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।